अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जो है वो यूट्यूब की सेटिंग से रिलेटेड है। सेटिंग्स मतलब कि कुछ लोग जो है वो यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। आजकल की जनरेशन में ये है कि मोबाइल जो है वो बच्चों की हाथ में काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि कुछ लोग जो है ना वो यूट्यूब यूज़ करते हैं अपने स्मार्ट एलईडी पे, स्मार्ट टीवी पे, घर के अंदर। कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको आज बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप YouTube को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसा लाइक कैसे है कि मतलब कि कुछ वीडियोस ऐसी आती हैं सामने जो कि फैमिलीज के लिए या बच्चों के लिए देखने मुनासिब नहीं है, या उनकी फ़ोटोज़ या थंबनेल जो आपको शो होते हैं सामने, ऐसी कई वीडियोस, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मैं नहीं लाइव बात कर सकता। कुछ ऐसी वीडियो सामने आ जाती हैं जो कि मैच्योर पर्सन के लिए होती हैं, बल्कि ये कि बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए एक सेटिंग है ये रिस्ट्रिक्टेड मोड, इसको कैसे ऑन करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। तो खैर, इसका नुकसान तो इतना ज़्यादा कोई भी नहीं है, इसके फ़ायदे ही हैं। तो चलते हैं, मैं आपको पहले दिखा दूँ कि आज ये वीडियो मैं किस वजह से बना हूँ। पहले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, बाद में आपको लेके चलूँगा मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, क्योंकि मोबाइल में ही ज़्यादा यूज़ हो रही होती है ऐप जो यूट्यूब है, उसी में सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपको बता दूँगा वो किस तरह से सेटिंग करनी होती है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको मोबाइल पे बताऊंगा कि यूट्यूब जो है वो मोबाइल पे किस तरह से आप जो है वो जो आपका मोबाइल बच्चे इस्तेमाल करते हैं या घर में कोई भी इस्तेमाल करता है तो वो उस तरह की वीडियोस या उस तरह की चीज़ें उनके सामने ना जाए। सबसे पहले जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ लगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ के वीडियो। बनाने का जो मकसद क्या था और क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख तो कल ही लिया था कि मुझे एक थे दोस्त हमारे, मैंने उनको जानता वो कौन है, इसको जरा म्यूट कर देते हैं। तो ये वीडियो एक बनाई थी परसों के दिन, हमने उसके नीचे जी कमेंट आया जी व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन यूट्यूब एंड हाउ टू रिमूव इट, मतलब कि लगता कैसे है, उसको रिमूव कैसे किया जाता है। अब आई डोंट नो कि ये लगाने का तरीका मुझसे जानना चाह रहे हैं या इसको रिमूव करने का तरीका जानना चाह रहे हैं। बहरहाल जो भी है, मैं लगाने का और रिमूव करने का दोनों का तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। यूट्यूब ऐप पे आने के बाद मैं कुछ चीज़ें वैसे दिखा देता हूँ। जनरली कोई भी आप चीज़ इस पर मतलब करते हैं सर्च या कुछ भी है, यूट्यूब है जी। इसमें अगर मैं आपको जी मिसाल देता हूँ कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं ये एक वीडियो है, ठीक है। इसको मैं सपोज ये देखें, यहाँ पे ये लाइक ऑप्शन भी आ रहा है, ये कमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पे कमेंट में कोई भी टाइप कर सकता हूँ, सपोज कुछ भी टाइप हो सकता है और मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। ये अभी देखना है कि अभी ये ऑप्शन ऑन है। तो इसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में कहाँ से जाना है आपने, आपका जो यूट्यूब है इसके आप इस साइड पे देखेंगे तो ऐसे सेटिंग्स आएंगी, सेटिंग में जाएंगे। कोई भी मतलब आपका चैनल बना है यूट्यूब पे, नहीं बना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यूट्यूब की जो सेटिंग्स है वो सब ऐसे ही आपको शो होंगी। तो सबसे टॉप पे, सबसे फर्स्ट पे जो ऑप्शन है जनरल का ऑप्शन है, यहाँ से आपने आना है। कुछ इसमें ऑप्शन जो हैं वो ऑन है, कुछ ऑफ हैं, ठीक है। और इसका भी फर्दर इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताएंगे कि किस लिए कौन सी ऑप्शन कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी कहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डार्क थीम की हुई है, वैसे लोग नहीं करते हैं तो वाइट में ले आता हूँ लिहाजा, ठीक है। तो ये नीचे एक मूड है, अभी असल में इवनिंग टाइम है तो इसका डार्क मूड। तो अभी ये नीचे देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड मोड लिखा हुआ है। दिस हेल्प्स हाइड पोटेंशियली मैच्योर वीडियोस, नो फिल्टर इज 100% एक्यूरेट, दिस सेटिंग ओनली अप्लाइज टू दिस ऐप ऑन दिस डिवाइस, जो इस डिवाइस के अंदर ऐप है सिर्फ उस पे ये सेटिंग
आपकी ओब्लाइज होगी। अगर आपका जीमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हैं इस मोबाइल के अंदर, जैसे मैं अपना जीमेल आईडी यूज करता हूँ, तो आप कह रहे हैं आप उसी जीमेल आईडी को किसी और मोबाइल के प्ले स्टोर पे या मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे ये सेटिंग ओब्लाइज नहीं होगी, सिर्फ इसी डिवाइस की जो डिवाइस की सेटिंग है उसी के अंदर होगी। इसको मैं ऑन करता हूँ ऑप्शन को, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया ऑप्शन को। ऑन करने के बाद एक दफा जी मैं इसको फ्रेश किया, या वैसे ही मतलब इसको बैक जाते हैं जी सेटिंग से, फिर सेटिंग से बैक गए जी, ये यूट्यूब ऑन हो गई जी। ठीक है, यही वीडियो जो थी अभी थोड़ी देर पहले हमने प्ले की थी, और इस वीडियो के नीचे कमेंट की ऑप्शन हमें आ रही थी। अभी आप देख सकते हैं कि इसके नीचे, सॉरी ये कॉपीराइट इशू ना कर दे, तो इसके नीचे ये देख लें लिखा हुआ रिस्ट्रिक्टेड मोड हैज हिडन कमेंट्स फॉर दिस वीडियो। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि YouTube की ये सेटिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन करते हैं और किस तरह से ऑफ करते हैं, इसके जो फायदे हैं वो क्या है, उसके ज़्यादा फायदे ही हैं मेरी नज़र में, तो नुकसान कोई नहीं है इसका। ठीक है, नुकसान उसी सूरत में है कि अगर आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, जस्ट लाइक बस वो कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, कमेंट करने के लिए आप इस मोड को ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद फिर से दोबारा से ऑन कर सकते हैं, लाइक जब आपके हाथ में मोबाइल है या जो घर के बड़े हैं अगर वो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को ऑफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बच्चों को देना हो या बच्चों की बारी हो तो उसको ऑन करके दिया जा सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मजीद नई वीडियो और मजीद नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।